तंत्रिकाओं द्वारा सूचनाओं का संचरण, प्रोपोगेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, कैसे कोई इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो बाहर से आती है वो कैसे आगे बढ़ती है, इसके बारे में देखें। तो यहां आप देखोगे कि सभी सूचनाएं जो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, ये सूचनाएं एक तंत्रिका कोशिका, आपको पता है तंत्रिका कोशिका के द्रुमाकृतक सिरे डेंड्राइट्स द्वारा उपार्जित होती हैं। सबसे पहले मैसेज कहां आता है? डेंड्राइट्स में, डेंड्राइट में उपार्जित होती हैं और एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा करती हैं। ठीक है, सबसे पहले बाहर से कोई भी मान लीजिए जानकारी आती है, वो जानकारी आपके तंत्रिका कोशिका में जाती है। तंत्रिका कोशिका में जो पहला है द्रुमिका डेंड्राइट्स, वहां मैसेज आएंगे, फिर वो उसको बदल देगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, रासायनिक क्रिया द्वारा उसको आगे बढ़ाया जाएगा और फिर वो एक्सॉन के साथ होते हुए एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका से होते होते आपके मस्तिष्क तक वो जानकारी पहुंचा दी जाएगी। तो इस तरीके से शरीर के अंदर उसका मूवमेंट होता रहता है। अब आगे क्या है कि जो भी जानकारी है यह आवेग द्रुमिका से कोशिकाएं मतलब डेंड्राइट से साइटॉन में जाती है, फिर तब तंत्रिका काच एक्सॉन में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। मतलब पहले आपने दिखाया कि ये ऐसे है, ये यहां पर ये है और इधर ये ऐसी ब्रांचेस निकली हैं और ये है। तो सबसे पहले जो जानकारी है वो कहां आती है? सबसे पहले आती है ये द्रुमिका के यहां पर आएगी, यहां से जानकारी आई, फिर यहां से ये कोशिका काय यहां आ गई और फिर एक्सॉन यहां से होते हुए और अंतिम सिरे तक यहां तक पहुंच जाती है और इसके बाद यहां से निकल करके दूसरे न्यूरॉन में चली जाएगी। तो इस डायरेक्शन में न्यूरॉन में इंपल्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, मैसेज जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। तो यहां की आपके पैरों की या हाथों की कुछ भी बाहर से आपने टच किया तो उसकी जानकारी यहां उपस्थित तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से यहां से लेकर के और आपके मस्तिष्क तक वो जानकारी इंपल्स के फॉर्म में आपके ब्रेन तक पहुंचती है। ठीक है, इसके बाद यहां पर जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग का परिवर्तन। अब आपको पता है ना साइटॉन पूरा जब तंत्रिका कोशिका देखोगे तो आखिरी भाग क्या आता है? एक्सॉन, और उसका जो एंडिंग होती है लास्ट में, वहां पर क्या होता है कि जो विद्युत आवेग है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, वो रासायनिक संकेत में किया जाता है ताकि ये आगे संचरित हो सकते। मतलब पहले वो करंट की तरह फ्लो कर रहा था और जब आखिरी में एक्सॉन मान लो है बड़ा सा, तो उसके हेड से लेकर के फुट तक गया ऊपर से नीचे तक, और जैसे ही नीचे पहुंचेगा वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स केमिकल नेचर में बदल जाएगा, रासायनिक परिवर्तन में बदल जाएगा, फिर दूसरे न्यूरॉन में वो जाएगा। तो जैसे ही दूसरे न्यूरॉन में जाएगा तो फिर से वो इलेक्ट्रिकल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल से ठीक है क्या केमिकल और केमिकल से इलेक्ट्रिकल, ये इसका इंटर कन्वर्जन होता रहता है। ठीक है, और उसी माध्यम से आपके शरीर के अंदर जो सूचनाएं हैं वो एक अंग से दूसरे अंग में जाती रहती हैं। इसके बाद यहां पर देखोगे तो लास्ट में आपने देखा था कि जो रासायनिक संकेत होता है वो रिक्त स्थान, अब जब एक न्यूरॉन मान लीजिए कहीं खत्म हो रहा है, जैसे मान लो यहां पर अगर आप देखेंगे कि एक न्यूरॉन है ये और दूसरा न्यूरॉन ये है, ये दूसरा न्यूरॉन, तो एक न्यूरॉन से मान लो मैसेज आया, इधर से गया, अब यहां पहुंच गया, यहां पहुंचने के बाद उसे यहां जाना है, तो यहां से यहां तक कैसे जाएगा? इसके बीच में गैप है, इस गैप को बोलते हैं क्या? सिनेप्स, सिनेप्टिक दरार। इसको क्या बोलते हैं? सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार। इसको पार करना होता है, तो पार कैसे करता है? रासायनिक संकेत से पार करता है, पार करते हैं और अगली तंत्रिका द्रुमिका, अगली तंत्रिका द्रुमिका यहां होगी, में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। तो बेटा यहां से आया इलेक्ट्रिकल इंपल्स, यहां पहुंचे, यहां से रासायनिक केमिकल इंपल्स, आगे गए फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स और फिर आगे जाएंगे फिर केमिकल इंपल्स, ऐसे ही ये मैसेज बढ़ता चला जाएगा।
दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है, जो खाली जगह है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सिनेप्स, उसे बोलते हैं सिनेप्टिक दरार। ठीक है, याद रखिएगा, दो न्यूरॉन्स के बीच में, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में एक दरार होती है, गैप होता है, जिसको सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार बोलते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि इस प्रकार सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं, तो न्यूरॉन्स में, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, एक अंग से दूसरे अंग में, एक भाग से दूसरे भाग में जो भी सूचनाएं हैं वो ट्रांसफर होती रहती हैं। अब ये चित्र दिख रहा है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में एक रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं सिनेप्स, या उसको बोलते हैं सिनेप्टिक दरार। उसे क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक दरार बोलते हैं। ये चित्र आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए अगर, तो क्या देख रहे हैं आप बेटा? ये द्रुमिका है, ये क्या है? ये द्रुमिका है, पहला भाग। ये कोशिका काय है, ये इसका न्यूक्लियस है। बाहर से कोई जानकारी आई, मान लो सूचना आती है कोई, ये सूचना है, ये सूचना है कोई, तो ये जो सूचना आएगी पहले द्रुमिका, द्रुमिका से कोशिका काय, पहले यहां आएगी, यहां से कहां जाएगी? कोशिका काय, और फिर जाएगी कहां? एग्जॉन, यहां से होते हुए यहां पहुंच गई, ये पहुंच गई। अब यहां जो भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहुंचे हैं, विद्युत आवेग जो आए हैं, वो रासायनिक आवेग में बदल जाएंगे। फिर यहां पर एक फाइन गैप आपको मिलेगा दो कोशिकाओं के बीच में, जिसको क्या बोलोगे? सिनेप्स बोलेंगे। तो सिनेप्स में रासायनिक आवेग से यहां जो भी केमिकल भरा होता है, उस केमिकल की मदद से जो भी जानकारी है वो यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे ही वो यहां से यहां ट्रांसफर होगी, फिर से वो रासायनिक से विद्युत आवेग बन जाएगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, और फिर आगे वो ट्रांसफर होती चली जाएगी। तो इस माध्यम से एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका में सूचनाएं जाती रहती हैं, ट्रांसफर होती रहती हैं, और दो कोशिकाओं के बीच का जो गैप होता है उसी को बोलते हैं सिनेप्स, उसी को बोलते हैं सिनेप्टिक दरार। तो ये चित्र समझ में आ रहा होगा, दो न्यूरॉन के बीच कैसे आपको कनेक्शन दिखाना है। ठीक है, ये आप देखिए, एक न्यूरॉन ये है, दूसरा ये है, ये देखिए मैसेज आता है, और देखिए ये चला गया, यहां पर देख रहे हैं केमिकल एक तरीके से निकलता है, यहां से एक केमिकल सिक्रीट होता है जो इस तक पहुंचता है, ये देखिए, ये ऐसे इंपल्स आगे चला जाता है, फिर ट्रांसफर हो जाता है, समझ गया ना? तो दो कोशिकाओं के बीच में जो दरार होती है, उस दरार को कैसे कोई सूचना ट्रांसफर करती है, तो वह रासायनिक क्रियाओं, रासायनिक आवेग से यहां ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, अब इसके बाद आती है प्रतिवर्ती क्रिया। अब आपने देखा, बाहर से एक क्रिया आपको मिली, बाहर से एक सूचना आपको मिली, वो सूचना आपके शरीर में ग्राही जो भी है उन्होंने उसको ग्रहण किया, फिर तंत्रिका कोशिकाओं से होते हुए वो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ट्रांसफर कर दी गई। अब जब वो ट्रांसफर हो जाएगी, तब उसको आपका शरीर समझेगा, परखेगा, उसके फिर हिसाब से वो प्रतिक्रिया करेगा। तो प्रतिक्रियाएं किस तरीके से हो सकती हैं, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? किसी भी उद्दीपन के प्रति, कोई भी उद्दीपन है उसके प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना अचानक अनुक्रिया जो होती है वो प्रतिक्रिया कहलाती है। आपने कुछ भी देखा, मान लो मैं इसको टच कर रहा हूं, और जैसे ही मैं इसको टच करूं मुझे करंट लगे तो मेरा हाथ हट जाएगा। ठीक है ना, पहले हाथ हमारा हट चुका होगा, ये थोड़ी ना कि हम रख के सोचेंगे कि हटाएं कि ना हटाएं, क्या है ये, क्यों कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। करंट जैसे ही लगता है आप अपना हाथ हटा लेते हो, ब्रेन वहां कोई काम ही नहीं करता, आप सोचते है ही नहीं हो। तो ये जो रिफ्लेक्स है, ये जो एक्शन है जो बहुत तेजी से होता है बिना मस्तिष्क के सोचे समझे, उसको कहा जाता है क्या? प्रतिवर्ती क्रिया। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। कोई भी उद्दीपन है किसी तरीके का, वो गर्म हो सकता है, ठंडा हो सकता है, कोई चीज चुभ सकती है, उसके अगेंस्ट जो भी क्रिया है वो है। ये क्रियाएं स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं जो जीव की इच्छा के बिना ही होती हैं, ये अपने आप होती हैं, इसमें इच्छा का कोई रोल नहीं है कि हम चाहें तब होगा, वो अपने आप होता रहता है शरीर के अंदर।
उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो ये जैसे उदाहरण देखिए आप क्या दिखा रहा है इस उदाहरण में, इस उदाहरण दिख रहा है कि यहाँ पर किसी गर्म वस्तु को छूने से जलने पर तुरंत हाथ हटा लेते हैं। एक उदाहरण तो ये हो गया कि कोई गर्म चीज है उसको आपने छुआ और जैसे छूते हो तुरंत हटा लेते हो। खाना देखकर मुंह में पानी आ जाना, ये भी अपने आप होता है। सुई चुभाने पर हाथ का हट जाना आदि। जैसे देखिए ये छोटा बच्चा है, इसके पैर में ये सुई चुभा रहा है, तो जैसे ही चुभाता है वो देखिए वो अपना पैर समेटता है ना, ठीक है। क्या बच्चा सोचता होगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हटाएं कि ना हटाएं? नहीं, अपने आप बिना सोचे समझे जैसे ही वो उसमें टच करता है तुरंत वो अपने पैरों को समेटता है। तो ये इसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। तो प्रतिवर्ती क्रिया, लेकिन अगर आप रोज ये काम करोगे तो आपका शरीर इसका आदि हो जाएगा और कुछ दिनों बाद ये जो चेंज आपको दिख रहा है, जो इस शरीर का प्रतिक्रिया दिख रही है, वो दिखना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो हैबिट पड़ जाएगी, वही रोज दिमाग में वो मैसेज चला जाएगा। लेकिन पहली बार अगर इस तरीके कोई चेंजेस आते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। अब यहां पर इतने सारे उदाहरण हैं, आप समझ चुके होंगे कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं, जो भी प्रतिवर्ती क्रिया होती है वो मेरुरज्जु, मेरुरज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड, हमारी जो ये स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके द्वारा नियंत्रित होती है। उसमें मस्तिष्क का कोई रोल नहीं होता। हमारी जो भी नर्वस सिस्टम में जो क्रियाएं होती हैं वो सब कंट्रोल कौन करता है? वो स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल्ड हो जाती है। अब क्रियाओं की बात कर रहे हैं तो अभी आपने कहा प्रतिवर्ती क्रिया, तो अब हम बात करते हैं हमारे शरीर में कौन कौन सी क्रियाएं हैं। तो एक क्रिया है ऐच्छिक क्रियाएं, जो हमारे चाहने से होती हैं। वह सभी क्रियाएं जिस पर हमारा नियंत्रण होता है उसे ऐच्छिक क्रियाएं होते हैं, जैसे बोलना, चलना, लिखना, है ना। आप कुछ बोलते हो, लिखते हो, चलते फिरते हो, इन सब पे अपना कंट्रोल होता है। हम जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे करते हैं, तो ऐसी क्रियाएं कहलाती हैं ऐच्छिक, या इसको को कह सकते हो वॉलेंट्री। इसको क्या बोलेंगे? वॉलेंट्री एक्शन, ठीक। दूसरी तरफ होती है ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, जो भी हमारी वॉलेंट्री एक्शन से जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं, ऐच्छिक क्रियाएं हमारी इच्छा और सोचने से होती हैं, इसलिए इसका नियंत्रण हमारे सोचने वाले भाग अग्र मस्तिष्क, जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन में जो आगे का दिमाग है, आगे का जो ब्रेन है, अग्र भाग जो है वो ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, जिसको हम सेरिब्रम कह सकते हैं। सेरिब्रम अभी आप पढ़ेंगे, जो हमारे ब्रेन का पार्ट होता है, तो सेरिब्रम से ये चीजें कंट्रोल्ड होती हैं, जिनको हम ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। दूसरी क्रियाएं होती है अनैच्छिक। अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो आपके मस्तिष्क से कंट्रोल्ड नहीं होती हैं। वे सभी क्रियाएं जो स्वतः होती हैं, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, उनको हम क्या बोलते हैं? अनैच्छिक क्रियाएं। तो अनैच्छिक क्रियाएं मतलब इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शन में जैसे हृदय का धड़कना, सांस का लेना, भोजन का पचना आदि, जो आपके शरीर के अंदर हो रहा है और उस आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आपका ब्रेन, जो सोचने समझने वाला ब्रेन है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो कहीं ना कहीं मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। अब अनैच्छिक क्रियाओं में देखिए क्या है कि अनैच्छिक क्रियाएं मध्य मस्तिष्क व पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होता है। आपके दिमाग में आगे का भाग जो होता है वो ऐच्छिक क्रियाओं के लिए होता है, बीच का और आखिरी का मेडुला ऑब्लंगेटा, उसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड, ये पीछे का जो भाग होता है मेन, उसमें होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, जो आपके अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। जो तुम्हारे सोने के बाद, नहीं, जब आप सो जाते हो तो सोने पर आपकी ऐच्छिक क्रियाएं खत्म हो जाती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं चलती रहती हैं, ठीक है, ताकि आप लिविंग बने रहें। प्रतिवर्ती चाप। अब जो भी आप प्रतिवर्ती क्रिया करते हो तो प्रतिवर्ती क्रिया करने पर उसका एक पाथवे बनता है, उसका एक रास्ता बनता है, किस तरीके से वो क्रिया होती है उसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप, रिफ्लेक्स एक्शन। यहां पर अगर आप देखिएगा तो प्रतिवर्ती क्रियाओं के आगम संकेतों पता लगाने और निर्गम क्रियाओं के करने के लिए संवेदी तंत्रिका कोशिका
और प्रेरित तंत्रिका कोशिका मेरुरज्जु के साथ मिलकर के एक पथ का निर्माण करती है। मतलब प्रतिवर्ती चाप का मतलब क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया का जो पथ है, प्रतिवर्ती क्रिया जो हमारे शरीर में होती है उसका जो पथ है, उसका जो रास्ता है, उसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। जैसे मान लो प्रतिवर्ती क्रिया की हम बात करने जाए, ये कोई गर्म चीज है, अब गर्म पानी है, इसको आपने टच किया, जैसे ही आपने इसको छुआ तुरंत आपकी जो संवेदी तंत्रिका कोशिका है, कौन सी संवेदी तंत्रिका कोशिका, यहां लिखा है ना संवेदी तंत्रिका कोशिका, ये उस मैसेज को लेके जाएंगी आगे और आगे उसको ट्रांसफर करेंगी प्रतिसारण, और यहां से फिर जाएगा प्रेरक, इसके बाद कहां जाएगा प्रेरक तंत्रिका कोशिका में जाएगा, ठीक है, मेरुरज्जु, और ये जो भाग है वो किसका है, वो स्पाइनल कॉर्ड का भाग है। मतलब ये है कि जब मान लीजिए कि कोई गर्म चीज है, ये हमारा हाथ है, इसको मैंने टच किया, जैसे टच किया मैसेज जाएगा, जो मैसेज को लेके जाती है उसे कहते हैं संवेदी तंत्रिका कोशिका, सेंसरी न्यूरॉन, जो मैसेज ले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन, जो मैसेज को वापस लाते हैं उसे बोलते हैं प्रेरित मोटर न्यूरॉन। मैसेज यहां से जो ले जा रही है वो सेंसरी हो गई, जो वापस ला रही है वो मोटर हो जाएंगी। मोटर न्यूरॉन के लाने के बाद पथ का निर्माण हो रहा है, अब यहां पर मैसेज गया और फिर वापस आया, वापस किसके पास आता है, कार्यकर जो मसल्स होती हैं, यहां जो भी मसल्स हैं उनके पास आएगा, तो इस मसल्स की वजह से ये हमारा हाथ पीछे हट जाएगा, ठीक है। तो कोई गर्म चीज जैसे ही छूते हो हाथ पीछे हटाते हो, तो जैसे छुआ मैसेज गया, कौन ले गया सेंसरी न्यूरॉन, फिर कहां ले गया स्पाइनल कॉर्ड में, वापस कौन लाया मोटर न्यूरॉन, संवेदी ले गई और प्रेरित लेके आई, यहां की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, आपका हाथ पीछे चला जाएगा। तो ये पूरा जो पाथवे है, ये पूरा जो रास्ता है, जो पथ है, इसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। तो प्रतिवर्ती चाप में क्या क्या याद रखना है, ये यहां पर ये उद्दीपन हो गया स्टिमुलस, फिर रिसेप्टर, ठीक, फिर संवेदी तंत्रिका कोशिका, फिर प्रतिसारण, फिर प्रेरक तंत्रिका कोशिका, फिर कार्यकर, और उसके बाद में रिस्पॉन्स। ये पूरा रास्ता होता है, ये पूरा पथ यहाँ पर होगा। जो चीजें आप देखेंगे कि जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप का एक दक्ष प्रणाली अथवा जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप की उपयोगिता, ये जो प्रतिवर्ती चाप होता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन, इनकी हमारे शरीर में क्या उपयोगिता है, तो यहां पर देखिएगा, अधिकतर लोगों में जहां पर देखा गया है कि जब हम देखते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये पैर है, तो यहां पर अगर कोई इफेक्टर है, कोई चीज अगर आप मारोगे, हथौड़ी मारोगे, तो क्या होता है, ये पैरों पर, पैरों में जैसे कि मैसेज कोई भी टच कराओगे, मान लीजिए कुछ आपने मारा हथौड़ी से, तो मैसेज जाएगा स्पाइनल कॉर्ड से वापस आएगा, और यहाँ की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और इसकी जैसे ही आप मारना चाहोगे आपका पैर तुरंत क्या हो जाएगा, समेट जाएगा। ऐसे हाथों पे अगर कोई चोट मारना चाहो, आपने देखा होगा स्कूलों में जब टीचर्स कहते हैं बेटा छड़ी मारते हैं, मास्टर साहब कहेंगे लाओ, ठीक है, पिटाई करते हैं जब, तो डंडे से जैसे ही हाथ पर मारने के लिए कहते हो तो अपना हाथ पीछे हटाते हो, फिर मास्टर साहब मारते हैं, तो जैसे वो मारते हैं मारने के लिए, जैसे छड़ी ऊपर उठाते हैं तुम अपना हाथ ऐसे किए रहते हो, और जैसे वो मारना चाहते तो अपना हाथ हटा लेते हो, है ना, यही तो होता है। तो वो सबसे अच्छा एग्जांपल है इस पूरे प्रतिवर्ती चाप का, उनकी छड़ी क्या हो गई, वो उद्दीपक हो गई, वो स्टिमुलस हो गई, आपका हाथ क्या हो गया, रिसेप्टर हो गया, ग्राही हो गया, जैसे ही वो आपके हाथ में मारेंगे तुरंत एक इम्पल्स क्रिएट होगा, वो आपके नर्वस सिस्टम में जाएगा, फिर वो मैसेज वापस आएगा, और आपकी जो मसल्स होंगी, तो पहली बार जब वो मारेंगे तो आपको एहसास होगा कि बहुत तेज पड़ रही है, फिर जैसे दोबारा वो हाथ ऊपर करेंगे मारने के लिए, तुम अपना हाथ हटाओगे, तुम अपना हाथ उनके सामने ले जाने में बचोगे, ठीक है, बार बार ऐसे फैलाओगे, फिर समेटोगे, फिर फैलाओगे, तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है। लेकिन अगर वही छड़ी आपको अपने हाथ से मारनी हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे इतना आप अपना हाथ नहीं हटाओगे, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि एक्शन किस तरीके से होने वाला है। लेकिन जब छड़ी किसी दूसरे के हाथ में होती है तो हमें ये पता नहीं होता कि एक्शन किस तरीके का होगा, इसलिए हमारा जो रिस्पॉन्स है वो बहुत फास्ट होता है। तो यही चीज यहां दिखाई जा रही है कि जैसे ही कोई चीज यहां पर टच कराओगे
तुरंत यहाँ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी और आपका जो पैर है वो पीछे की तरफ भागना शुरू कर देगा। तो जो प्रतिवर्ती चाप है इसमें क्या देखते हो कि अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है। वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल या तो अल्प हैं या अनुपस्थित हैं। अतः ये स्पष्ट है कि वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकास हुआ है। यद्यपि जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद भी प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। तो ये जो थ्योरी आप पढ़ रहे हो इसमें क्या निकल के आ रहा है, ये पहला पॉइंट जो यहां इन्होंने लिखा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है। मतलब अगर आप फास्ट सोचते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि मस्तिष्क हमारा बहुत धीरे सोचता है कंपेयर टू द एक्शन। उतनी देर में तो बहुत बड़ा दिक्कत आ जाएगी। अब मान लीजिए कोई चीज है बहुत गर्म है, हमने उस पर हाथ रखा, अब हम सोच रहे हैं कि हटाएं कि ना हटाएं, तब तक तो हमारा हाथ जल जाएगा। कहने का मतलब समझ रहे हो कि मैसेज जो जितनी तेजी से मैसेज जाते हैं उसके कंपेयर में हमारा दिमाग स्लो सोचता है, तो उतनी देर में तो शरीर पर इफेक्ट आ जाएगा। तो उस इफेक्ट से बचने के लिए, नुकसान से बचने के लिए ये कार्य हमारी स्पाइनल कॉर्ड हमारा मेरुदंड से कंट्रोल किया जाता है ताकि जो वर्किंग है वो थोड़ा फास्ट रहे। तो आप प्रतिवर्ती चाप जो भी बनता है वो इसलिए बनता है क्योंकि मस्तिष्क की सोचने की जो क्षमता है वो कम है। उसके अंदर जो फास्ट काम करने वाले, तेजी से काम करने वाले न्यूरॉन्स की कमी है। ठीक है, तो जहां पर तेजी से न्यूरॉन काम कर रहे हैं, तेजी वाले न्यूरॉन जहां होंगे वही भाग प्रतिवर्ती चाप को कंट्रोल करेगा और वो आपकी मेरुदंड है, वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, अब जंतु में प्रतिवर्ती चाप का एक दक्ष प्रणाली, यहां पर आपने देखा कि कोई भी जंतु अगर है तो आप यहां पे एक चीज निकल के क्या आ रहा है कि जंतुओं में सोचने की शक्ति बहुत कम या क्षीण होती है। जंतुओं में सोचने की शक्ति बहुत कम या क्षीण होती है जिससे वे तुरंत अनुक्रिया कर अपना बचाव नहीं कर सकते हैं। अतः इस कमी को पूरा करने के लिए अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप एक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। तो कहने का मतलब यही है कि आप के शरीर में जो भी प्रतिवर्ती चाप बनता है, तो कोई भी उद्दीपक है, गर्म पानी है, इसको जब आपने छुआ तो किससे छुआ, ग्राही से मैसेज कहाँ गया, संवेदी ऊतकों में या संवेदी कोशिका में गया। संवेदी कोशिका से कहाँ गया, ये होते हुए मेरुदंड में चला गया। मेरुदंड से कहाँ गया, मेरुदंड से प्रतिसारण हुआ। इसका किसको प्रतिसारण हो गया, संवेदी के बाद कौन सा था, प्रेरक कोशिका में चला गया। कहाँ चला गया, प्रेरक कोशिका से फिर कहाँ आया, ग्राही के अगेंस्ट क्या होते हैं, रिसेप्टर की जगह पर अब यहाँ पर इफेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ की जो भी मसल्स पेशियाँ जो हैं उनको मैसेज चला गया और फिर पेशी क्या करेगी, इसके अगेंस्ट जो क्रिया करेगी जिसको आप क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया बोलेंगे। तो एक इधर क्रिया हुई थी, उस क्रिया के अगेंस्ट एक प्रतिक्रिया हुई है। तो ये जो पाथ है, ये जो रास्ता है, इस जो पथ है, इसी को बोलते हैं, ऐसे देख रहे हो, यहां से गया और ये वैसे ऐसे गया और ऐसे वापस आ गया, तो ये एक चाप बनता है, इसी को प्रतिवर्ती चाप बोलते हैं। प्रतिवर्ती मतलब जैसी क्रिया करोगे वैसा रिस्पांस मिलेगा, ये तो कहा जाता है, या तो न्यूटन ने भी बताया था शायद क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है ना, तो जैसा करोगे वैसा मिलेगा, इसे यही तो बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। ठीक,
अब यहां पर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई कि प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। तो प्रतिवर्ती चाप इसलिए बनते हैं क्योंकि हमारा मस्तिष्क स्लो काम करता है, वो उतनी तेजी से नहीं सोच पाता जितनी तेजी से सोचना चाहिए। तो उससे बचाने के लिए हमारे शरीर में, हमारे जंतुओं के अंदर क्या बनती है, प्रतिवर्ती चाप बनते हैं जिससे शरीर को बचाया जा सके।